हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ मैं, जो JVVNL हेल्पर 2 की एग्ज़ाम दोस्तों जिन्होंने भी दी थी 2018 के अंदर, उनके लिए दोस्तों ऑफिशियली बड़ी अपडेट आ गई है। इसी सप्ताह आ सकता है रिजल्ट दोस्तों, या तो आपको नेक्स्ट 2 दिन के अंदर रिजल्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि कल या परसों तक। फिर अगले सप्ताह दोस्तों कंफर्म आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। और कट ऑफ क्या रहने के आसार हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और 70+ वाले सेफ हैं और कम वाले भी दोस्तों, कितने क्या आसार रहने वाले हैं कट ऑफ के, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, आगे आपके बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों ये चैनल। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी सब कुछ दोस्तों टेक्निकल हेल्पर में मेरे करवाया हुआ है, तो सारे मैं आपकी जानकारी टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो हम बात कर लेते हैं पहले जो ऑफिशियली अपडेट हमें मिली है उसकी जानकारी की। तो दोस्तों, बेरोजगारों का जो संघ होता है उसके अध्यक्ष है वो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी से, फाइनेंस सेक्रेटरी निरंजन आर्य जी से और मुख्यमंत्री सचिव जी से हमारे प्रतिनिधि मंडल की वार्ता आज फिर से हुई। और वार्ता का सकारात्मक परिणाम यह निकला कि आज रात या कल तक SI भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा और इसके अगले दिन हेडमास्टर भर्ती का परिणाम जारी हो जाएगा। सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा का परिणाम भी जल्द से जल्द जारी होगा और 5 से 7 दिनों के अंदर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होगा और 10 से 12 दिन के अंदर फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा की तिथि आवेदन प्रक्रिया का RPSC पर नोटिफिकेशन जारी कर देगी। अधीनस्थ बोर्ड को शिक्षा विभाग ने कुछ भर्ती वर्गीकरण दे दिया है और बच्ची भर्तियों का कुछ दिनों में दे दिया जाएगा और इसके अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं का भी परिणाम जारी होना प्रारंभ हो जाएगा। जिन भर्तियों की परीक्षा तिथि जारी होनी है और नए आवेदन होने हैं उनके संशोधन विज्ञप्तियाँ अभी तक बोर्ड के पास नहीं पहुँची हैं, इसमें थोड़ा और समय लगेगा। दोस्तों नीचे नीचे आप देखते हो, विद्युत विभाग की हेल्पर 2 का परिणाम शुक्रवार और शनिवार को जारी नहीं हुआ तो अगले वीक में जारी हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका आगे है दोस्तों कि आज या इस सप्ताह में जारी नहीं हुआ तो अगले सप्ताह में कंफर्म आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा दोस्तों। तो ये आप सभी के लिए अपडेट थी। तो अब बात कर लेते हैं हम कट ऑफ की, कट ऑफ क्या रहने वाली है दोस्तों। कट ऑफ अगर किसी के 70 से 75 नंबर बन रहे हैं जनरल के अंदर तो दोस्तों उसका चांस है यहाँ पर आपका RVPNL प्रसारण से और आपका बाकी जो डिस्कॉम है जोधपुर और अजमेर इनसे दोस्तों चांस है, और आपका 75+ जा सकती है JVVNL की। तो ये आपका दोस्तों जनरल का है। OBC के अंदर आप 70 तक आ सकते हो, 70 तक आ सकते हो। SC ST में आप 68 तक आ सकते हो दोस्तों। 68 से नीचे हैं उनके थोड़ा सा ज़रूर यहाँ पर भय होगा क्योंकि, पर दोस्तों आप बिल्कुल भी ये ना माने कि आपका नहीं हो पाया, 1.5 गुना के अंदर हो गया और आपकी कट ऑफ के एकदम किनारे पर हैं, तो भी आप टेंशन ना माने क्योंकि इसके अंदर अब वेटिंग भी निकलेगी आपकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी लड़के यहाँ पर आपका ALP में ज्वाइन हो गए हैं और आपके काफ़ी एग्जाम आ रही हैं अभी। ग्रुप D भी गई है, RPF भी गया है, सारी एग्जामों में काफ़ी लड़के निकल गए हैं। तो आपका 1.5 में भी अगर हो जाता है तो आपका चांसेस फाइनल सेलेक्शन में बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर की हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।